हेलो बच्चों, क्या हाल है? तो अपन ने 12th वाले बच्चों क्या पढ़ा था? अपन ने ध्यान आया आप लोग को, अपन ने एल्किल हैलाइड शुरू किया था। क्या शुरू किया था? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में हमने मेन चीज क्या देखी थी बच्चों, क्या आपको ध्यान आ रहा है? हम यहाँ देख रहे थे कि कैसे हम मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बना रहे थे। हैलोजिनेशन की वो रिएक्शन थी, तीन स्टेप रिएक्शन थी, तीन स्टेप में उसकी मैकेनिज्म थी। पहली थी इनिशिएशन, दूसरी प्रोपोगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। तो इन तीन चीजों के बाद, इन तीन मैकेनिज्म, इन तीन स्टेप्स के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रहा था? ऑब्टेन हो रहा था। बात जैसे करें इनिशिएशन में क्या होता था, इनिशिएशन में Cl2 मॉलिक्यूल या X2 मॉलिक्यूल क्या होता था? ब्रेक होता था इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। इन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता था, उसमें एल्केन और रेडिकल के बीच में क्या होता था? बॉन्ड फॉर्म होता था, जिसकी वजह से HCl बाहर निकलता था या HX बाहर निकलता था और रेडिकल फॉर्म होता था। और टर्मिनेशन में क्या होता था, जितनी बची हुई रेडिकल्स होती थी वो आपस में जुड़ के कंपाउंड फॉर्म करती थी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अपन ने सिंपल सी बात ये की थी कि अगर मुझे मोनोक्लोरिनेशन करना है तो मोनोक्लोरिनेशन में सबसे पहला स्टेप होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल लगाने होते हैं। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल लगाने के बाद आपको वहां पर हैलाइड को क्या करना होता है? अटैच करना होता है। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर पुरानी चीजें थोड़ी रिवाइज हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता और इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा होता Cl2H𝜇। किसकी रिएक्शन हो रही होती? Cl2H𝜇 की। तो मुझे बताएं यहां पर जो प्रोडक्ट P बनता, मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स या हाउ मेनी आइसोमर आर फॉर्म। चलिए क्वेश्चन करें। तो बच्चों क्या करते थे, सबसे पहले हम ये देखते थे कि इस कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल कौन से। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल देख पा रहे हैं तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डिफरेंट रेडिकल देखते हैं बच्चों? अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे पता है ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब कोई एक कार्बन डिफरेंट होगा। आगे बढ़े तो ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब ये भी डिफरेंट होगा। आगे बढ़ते हैं तो बताइए ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब ये डिफरेंट होगा। इसका मतलब बताइए यहां पर कितने डिफरेंट कार्बन है? डिफरेंट कार्बन है बच्चों तीन। तो मुझे करना क्या होता है, मुझे इन पर क्या करना होता है, रेडिकल फॉर्म करने होते हैं। रेडिकल फॉर्म करने के बाद इन पर क्या अटैच करना होता है बच्चों, हैलाइड अटैच करना होता है। क्या अटैच करना होता है? हैलाइड अटैच करना होता है। क्या इन तीन रेडिकल्स को मैंने बना लिया? अब तीन रेडिकल्स को बनाने के बाद क्या सबसे पहले हमने ये देखा कि यहां पर जो हैलाइड है Cl है, तो यहां अटैच कौन होगा? Cl। कौन अटैच होगा? Cl। कौन अटैच होगा? Cl। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 3। तो आंसर आ जाता है आपका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या क्लियर हो रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? बहुत सही से क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं एक बार फटाक से। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता और मुझसे पूछा जाता कि बताइए यहां पर Cl2H𝜇 करने पर पी प्रोडक्ट आ रहा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो बताइए सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे क्या आप ट्राई करिए। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं क्या करना है। आपको ये देखना है कि इस कार्बन के अबाउट ये तीनों क्या है, सिमेट्रिकल है बच्चों। इसका मतलब जो ये है वही ये है और वही ये भी है। इसका मतलब मैं किसी एक साइड जाऊंगा और डिफरेंट कार्बन को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। किसी ने कहा सर आपने ये और ये क्यों नहीं सेलेक्ट किए? तो बच्चों ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसी तरीके से ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसलिए मैंने अलग से आइसोमर नहीं बनाए। तो बताएं बच्चों क्या मेरे पास जो कंपाउंड बन के आने वाला है वो पहला रेडिकल ये है। दूसरा रेडिकल की बात करें तो दूसरा रेडिकल कौन सा है बच्चों, ये है। और तीसरे रेडिकल की बात करें बच्चों तो तीसरा रेडिकल कौन है, ये है। तो बताएं यहां पर अगर मुझे Cl ऐड करना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले Cl, Cl और Cl। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि मैं यहां पर मोनो हेलो डेरिवेटिव बना सकता हूं। इसको क्या नाम देंगे, मोनो हेलो डेरिवेटिव। क्या क्लियर हो रहा है? तो आपको ये सब क्लियर हो गया कि मेरे को क्लोरिनेशन रिएक्शन कैसे करनी है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करनी है, मैंने यहां पर देख लिया। क्या ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है?
जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन क्लोरीनेशन का यहां पर कर लेते हैं। चलिए, मैंने आपसे बोला मुझे बताएं यहां पर मोनो हेलो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, जल्दी बताएं बच्चों मोनो हेलो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। क्या आपको यह देखना है, डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट कार्बन कौन कौन सा बच्चों? क्या ये कार्बन डिफरेंट है? लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, क्योंकि चारों वैलेंसी बिजी है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो बताएं यहाँ पर प्रेजेंट कौन है, किसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है? इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास। इसका मतलब ये चारों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने किसी एक को सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट मैंने क्या बना दिया बच्चों, प्रोडक्ट मैंने बना दिया। क्या क्लियर समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हमने मोनो हेलो प्रोडक्ट यहाँ पर सीखा था। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर की बात कुछ ये थी कि कैसे हमने मोनो हेलो लेक्चर, मोनो हेलो कंपाउंड को बनाना सीखा था। क्लियर? अब अपन बात करने वाले हैं थोड़ा सा, कभी कभी पूछ लेता है बच्चों डाई हेलो प्रोडक्ट, कभी कभी क्या पूछ लेता है डाई हेलो, ठीक है? जैसे मोनो हेलो है वैसे ही क्या है, डाई हेलो प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट वगैरह में। क्या बोल रहा हूं मैं, डाई हेलो प्रोडक्ट्स। डाई हेलो प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए डाई हेलो का मतलब क्या हुआ, दो, और हेलो का मतलब क्या हुआ, हेलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर कितने हेलोजन कंपाउंड जुड़ने वाले हैं, दो जुड़ने वाले हैं। इनकी पॉसिबिलिटीज के बारे में आपसे ये पूछ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है और मुझसे बोला गया कि यहां पर डाई हेलो प्रोडक्ट, डाई हेलोजिनेशन करने पे प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे। डाई हेलोजिनेशन का मतलब कोई भी दो सी, जैसे सीएल है तो दो सीएल, ब्रोमीन है तो दो ब्रोमीन, इसका मतलब दो हेलोजन लगाने हैं, और दो हेलोजन लगाने के जितने आइसोमर बन सकते हैं इनके बारे में इसको बताना है। तो मुझे बताएं यहाँ पर रिएक्शन कुछ वैसे ही है, पहले सीएल आएगा फिर दूसरी बार फिर रिएक्ट करेगा और फिर से सीएल टू हम वहां पर लगा सकते हैं। तो मुझे बताएं अगर मेरे पास नॉर्मल प्रोपेन होता और नॉर्मल प्रोपेन में मुझे डाई हेलोजिनेशन करना होता, तो क्या मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं कि पहले दोनों हेलोजन ग्रुप में क्या करूंगा, लाइन से फर्स्ट कार्बन पे लगा दूंगा। क्या क्लियर आपको समझ में आ रहा है ये चीज? फिर मैं क्या करूंगा, किसी एक हाइलोजन को उठाऊंगा और इसकी पोजीशन को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। कहां कहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। तो देखिए बच्चों जो और प्रोडक्ट में बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं, एक तो ये बन सकता है और एक बच्चों ये भी बन सकता है। क्या क्लियर समझ में आया? जैसे मैंने दोनों सीएल को एक कार्बन पे लगाया था, क्या वैसे ही मैं इसको यहां भी लगा सकता हूं? इसका मतलब दोनों हेलोजन ग्रुप कहां जुड़ सकते हैं, यहां जुड़ सकते हैं। फिर आपने कहा कि सर अगर मैं इसको उठाऊं और चेंज करके यहां लगाऊं, तो आपने देखा कि जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूं चीजें रिपीट होना शुरू हो गई, और वो कौन सी रिपीट चीजें हो गई, ये और ये। इसका मतलब जब चीजें रिपीट हो रही हैं तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? फिर आपने सोचा कि दोनों सीएल को उठा के यहां लगाऊं, तो बच्चों फिर से रिपीट हो गया। तो बताइए टोटल प्रोडक्ट यहां पर कितने आते हैं, फोर स्ट्रक्चरल आइसोमर। जल्दी से मुझे एक बार ये भी बताओ, चलो साइक्लोहेक्सेन है और यहां मेरे को करना है डाई हेलोजिनेशन। डाई हेलोजिनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट पी आ रहा है मुझे उसके बारे में बताना है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, नंबर ऑफ आइसोमर के बारे में बताना है। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपको डाई हेलोजिनेशन करना हो आप सिंपल क्या करो, आप सिंपल ये करो, ये काम करो कि आपको सबसे पहले लाइन से चलना है। एक बार लाइन से आपने दो सीएल लगाए, फिर आपको क्या करना है, एक सीएल को उठाना है, पोजीशन चेंज करनी है, और ये देखना है कि कहीं कोई चीज रिपीट ना हो पाए। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला अगर मुझे ट्राई करना होता तो मैं किसी भी हाइड्रोजन पे दो क्लोरीन लगा देता, लगा सकता था। फिर मैं क्या करता, एक क्लोरीन को उठाता और पोजीशन चेंज करता। अब पोजीशन कैसे चेंज कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब कोई एक लगा दिया, ये और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब यहां भी लगा सकते हैं, और ये कार्बन अलग है, इसका मतलब यहां लगा सकते हैं। किसी ने कहा सर आप यहां लगा सकते हैं, बेटा यहां लगाओ या यहां लगाओ बात सेम है। देखिए क्या क्या बन गए, अब आपको समझ में आएगा कि मैं जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं वो क्या क्या है। क्या मैं यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल। फिर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो अब मैं कहां लगाऊंगा बच्चों, अब मैं यहां लगा दूंगा। फिर मैंने बात की यहां पे, तो अब मैं कहां लगा सकता हूं बच्चों,
यहां लगा सकता हूं। फिर किसी ने कहा कि सर अगर मैं इन दो सीएल को यहां की जगह यहां लगाऊं, तो बच्चों ध्यान दो ये सारे कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है, सारे के सारे कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब किसी भी एक जगह पे आप लगाओगे बात सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आए क्या वो भी चार ही आए। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और इस चीज को भी एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत नहीं पूछा जाता, कभी कभार आ जाता है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में मोनो हेलो पूछ रहा है या डाई हेलो पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए मान लीजिए बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता और अब मुझे करना होता Cl2H3 और मैं कहता डाई हैलोजिनेशन और इसमें प्रोडक्ट P है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता, सबसे पहले आप वही स्टेप फॉलो करते जो आप कर रहे हैं, जो आप करते आ रहे हो। क्या करते आप? सबसे पहले आप ये करते किसी भी एक कार्बन पे आप क्या करते दोनों सीएल को क्या करते अटैच कर देते। फिर आप ये सोचते कि अगर मैंने यहां अटैच कर दिया है तो मैं यहां भी कर सकता हूं और यहां भी कर सकता हूं, क्यों? जो ये कार्बन है वही ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही आइडेंटिकल कार्बन है, इसका मतलब मैं कहीं एक जगह ही लगा सकता हूं। तो मुझे बताए बच्चों क्या मैं अगला प्रोडक्ट ये बना सकता हूं और अगला प्रोडक्ट मैं ये भी बना सकता हूं। क्लियर समझ में आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और ये बिल्कुल सही करना है बच्चों, Cl2H3 और मेरा क्वेश्चन है डाई हैलोजिनेशन। ठीक है, क्या है? डाई हैलोजिनेशन। चलिए कोशिश करते हैं डाई हैलोजिनेशन करने की। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, लाइन से चलना है। लाइन से चलने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सबसे पहला काम ये करोगे यहां पर आप दो हेलो ग्रुप को लगाओगे किसी भी एक जगह पर। फिर आपने सोचा एक को उठाऊंगा और कहां लगा सकता हूं, यहां यहां और यहां मैं इसको लगा दूंगा। क्यों ऐसा मैंने सोचा? क्योंकि तभी डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं बच्चों। क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? इसका मतलब ये तो पहली चीज बन गई। अब दूसरा टास्क मेरा ये होगा कि इन दोनों क्लोरीन को उठा के मैं यहां लगाऊं, जिससे कि जो आइसोमर हो वो डिफरेंट बने और लाइन से बने, जिससे मैं भूलूं भी ना। अब सोचिए इस क्लोरीन को उठा के मैं शिफ्ट करूंगा और ध्यान दूंगा कि चीजें रिपीट तो नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए ये कहीं रिपीट हो रहा है क्या? कहीं रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि हर जगह 1-2 है, 1-3 है और 1-4 है, कहीं 2-3 पे क्लोरो नहीं लगा है। तो क्लियर समझ में आया कि ये भी एक डिफरेंट आइसोमर होगा। फिर किसी ने कहा सीएल को आपने यहां तो लगा दिया, जल्दी से आप यहां लगा के दिखाएं, अब आप यहां पे लगाएंगे ना तो यहां पर चीजें रिपीट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये हो गया 1 और 3 और 1 और 3 हमने कहां बना रखा है, यहां। तो देखिए ये चीजें क्या हो गई, इसका मतलब मुझे ये नहीं बनाना है। क्लियर? फिर किसी ने कहा इस दोनों सीएल को आप यहां लगाओ, फिर से सेम आएगा, क्योंकि ये भी वही पोजीशन है और ये भी सेम पोजीशन है। इसका मतलब डिफरेंट कितने बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने आए यहां पर, 6 इस स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब बात करते हैं यहां पर अगले रिएक्शन की, जिसका नाम है बच्चों NBS। क्या है NBS? क्या है उसका मतलब समझते हैं पहले। ये भी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है? NBS। क्या नाम होता है इसका? N ब्रोमो सक्सीनामाइड। क्या नाम होता है? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब आप चीजें पहले समझो कि यहां पर जो मैंने ये ग्रुप लिया है एक्चुअल में ये बना कहां से और ये आया कहां से, इस चीज को समझना है पहले। सबसे पहला काम यही है मेरा। तो बताओ मुझे अगर मैं इस चीज को दिखाना चाहूं तो देखिए सक्सीनामाइड का मतलब हुआ ये कहीं ना कहीं सक्सीनिक एसिड से मिलकर आया होगा और सक्सीनिक एसिड होता है बच्चों ये। क्लियर है? तो बताओ मुझे यहां पर अगर मैं सक्सीनिक सॉरी ओम्स गैप हेलिकस दो कार्बन के गैप पे जो ये एसिड बनता है हम इसे क्या कहते हैं, सक्सीनिक
ऐसे आप सबको पता होगा लिखते कैसे है इसको, आप इसमें डेरिवेटिव आपको पता है ओम्स गैप, ऑक्सैलिक मैलिक सक्सिनिक। तो ये क्या होता है, सक्सिनिक एसिड होता है। सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन हम जब कराते हैं NH2 के साथ या अमोनिया के साथ, तो क्या होता है यार, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलते हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि पहला अटैक N का कहां होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, बाहर निकल गया, और इसी तरीके से N का अटैक फिर से यहां होता है और ये ग्रुप भी बाहर निकल जाता है। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से आता है। क्लियर है? फर्दर जब रिएक्शन होती है Br2 के साथ, तो ये क्या करता है, अब ये जो N है, ये एक्चुअल में H और Br का जो Br2 है, ये क्या करते हैं, आपस में HBr रिलीज हो जाता है, और HBr रिलीज होने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आता है उसे ही हम नाम देते हैं N-bromosuccinamide। सक्सिनिक एसिड से सक्सिनामाइड बनाने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले सक्सिनिक एसिड आता है, यहां सक्सिनिक एसिड क्या करता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर यहां रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होता है यहां से, और बाद में इन कार्बोनिल ग्रुप से क्या जुड़ जाता है, एमाइड। अब इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, एमाइड। तो इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, सक्सिनामाइड। ये क्या है, सक्सिनामाइड। बाद में जब Br2 से रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया, N के साथ ब्रोमो है, तो क्या लिखोगे, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। खास बात ये है बच्चों इस रिएक्शन की, कि ये रिएक्शन कहां पे फॉलो करती है, इट्स फॉलो एलाइलिक और बेंजाइलिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिए यहां पर, एलाइलिक का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है इसे हम कहते हैं एलाइलिक। अगर इसी एल्कीन की जगह कोई बेंजीन ग्रुप जुड़ जाए, तो बेंजीन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन क्या होगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक। क्लियर हो रहा है? तो आपको समझ में आया कि यहां पर जो रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है वो किसके साथ होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक रेडिकल और बेंजाइलिक रेडिकल, तभी हम यहां पर NBS कर सकते हैं। आपको रिएक्शन देगा, एल्कीन बनी होगी, एल्कीन के साथ आपको NBS की रिएक्शन देगा, तो आपको करना क्या होता है, जैसे हम वहां हेलोजिनेशन कर रहे थे वैसे ही यहां पर ब्रोमिनेशन करेंगे, वो भी किसका, N के साथ जो ब्रोमो लगा होगा वही क्या करेगा, अटैच करेगा। अब हम इस रिएक्शन को समझने वाले कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। तो आपको यह समझ में आया कि आपने बेंजाइलिक कैसे देखा और एलाइलिक कैसे देखा, क्या आपको ये सब क्लियर हो गया कि एलाइलिक क्या होता है और बेंजाइलिक क्या होता है। एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक, क्या क्लियर है? चलिए इसकी मैकेनिज्म की जरा बात करते हैं और मैकेनिज्म समझते हैं कि इसके मैकेनिज्म में हुआ क्या। बहुत इजी रिएक्शन है बच्चों, ये सिर्फ बातें आपको बड़ी बड़ी लग रही होंगी, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड और ये और वो, लेकिन जो रिएक्शन की स्टेप है वो बहुत इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या होता है, यहां पर कोई भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ N ब्रोमो सक्सिनामाइड या NBS लिखते हैं, रिएक्शन होती है, और NBS का मतलब क्या हुआ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस एलाइलिक ग्रुप पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसका, ब्रोमो का। तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट मेरे पास ये बन जाता है। क्लियर, दिस इज द प्रोडक्ट। अब कैसे बना, जरा मैकेनिज्म देखें। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो सोचिए, सबसे पहले यहां पर सब्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में 3 स्टेप फॉलो होंगे, इनिशिएशन प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये स्टेप फॉलो हो रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है भाई, ब्रोमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रोमीन क्या हो रहा होगा, आपस में ब्रेक हो रहा होगा। आपको पता है क्यों ब्रेक हो रहा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट या हाई एनर्जी या हाई सनलाइट। तो बताइए, जब ये Br रेडिकल में टूटेंगे तो क्या बनेंगे, Br रेडिकल और Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल क्या करते हैं, अब ये Br रेडिकल जब रोल आता है इनका, तो अब ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं, और एल्कीन के साथ रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, Br रेडिकल
यहां से ये एलाइलिक पोजीशन से एच ग्रुप को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद एच बी आर बनता है और जो एल्कीन होती है उस एल्कीन का क्या बन जाता है रेडिकल। ऐसा ही कुछ स्टेप मोनोक्लोरिनेशन में भी हम कर रहे थे, वहां एच एक्स निकल रहा था और बाद में रेडिकल फॉर्म हो रहा था। अब ये रेडिकल क्या करता है बच्चों, अब आता है मेन इस रेडिकल का काम। ये रेडिकल क्या करता है, फिर से ब्रोमीन के साथ, अब ये ब्रोमीन मेरे को मिलेगा कहां से, ये ब्रोमीन मेरे को मिलता है बच्चों जब मैं यहां पर एनएच के साथ सक्सिनामाइड के साथ जब मैं यहां पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता हूं तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का, तो ये क्या करता है ध्यान दीजिएगा, यहां पर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का जो प्रेजेंट आता है ये क्या करता है इस HBr के साथ रिएक्शन करता है। कैसे, इस HBr के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है और इस HBr के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले क्या करता है अपना लोन पेयर इस H को देता है। जैसे ही लोन पेयर देगा तो बताओ मेरे पास जो स्पीसीज आएगी वो क्या कुछ इस तरीके से आएगी, क्लियर है क्या, और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये ब्रोमीन निकलता है और ब्रोमीन माइनस और ब्रोमीन ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस आपस में क्या रिएक्ट करके बनाते हैं Br2, क्लियर समझ में आया। और इस Br2 का यूज जो होता है वो कहां होता है इस मैकेनिज्म में होता है, क्लियर। तो सिंपल है, फिर ये रेडिकल क्या करेगा एक Br को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरा Br निकल जाएगा। तो मतलब मेरे पास बन क्या गया, अगर आप ध्यान दो तो यहां मेरे पास ब्रोमीन जुड़ गया और मेरे पास Br रेडिकल निकल गया। जितने ये रेडिकल है आपस में कनेक्ट होकर टर्मिनेशन स्टेप दिखाएंगे और टर्मिनेशन स्टेप में आपको पता है कि दो रेडिकल है तो ये क्या क्या बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ये Br2 भी बना सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से दो मॉलिक्यूल जुड़ के ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, तो कुछ भी यहां पर बन सकता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ जरा समझो, अब बहुत इजी स्टेप आने वाला है कि आप कर क्या रहे हो, आपको मैकेनिज्म तो इतना लेने देना है नहीं, मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये पर बना होगा, मैकेनिज्म कोई देख नहीं सकता बच्चों, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि ये जो स्टेप फॉलो हुए होंगे यही हुए होंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोई पूछे कि एन ब्रोमो सक्सिनामाइड क्यों लिया, अगर मैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड नहीं लेता तो ये HBr के साथ रिएक्ट करके Br2 नहीं बनाता और Br2 नहीं बनता तो इसके आगे रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होती। तो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड क्यों लिया पहले समझ में आ गया आपको, रिएक्शन किसके साथ होगी हमेशा एलाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होगा, एलाइलिक रेडिकल पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। चलिए एक रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये है ने? और मैंने यहां पर कराया NBS, आप समझिएगा कि कैसे करना है आपको, अब आपको मैं डील करना सिखा रहा हूं क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं। अब मान लो मुझे NBS कराना है, NBS में मुझे पता है कि जो ब्रोमीन है वो कहां जुड़ता है, वो एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ता है और एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, एल्कीन से डायरेक्ट जुड़ी पोजीशन क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन होती है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, सबसे पहला काम आप ये करो एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल फॉर्म कर लो, क्योंकि आपको पता है रेडिकल फॉर्म होगा और उस रेडिकल से क्या जुड़ेगा ब्रोमीन जुड़ेगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, इस एलाइलिक कार्बन पे क्या बना लिया रेडिकल बना लिया। रेडिकल बनाने के बाद आपको ये भी सोचना है कि क्या यहां पर ये स्पीसीज ही बन सकती थी या इसके अलावा भी कुछ बन सकता था। तो बताओ बच्चों इसके अलावा जब आप बनाते तो क्या यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, आप सबको रेजोनेंस करना आता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या ये बच्चों ये भी तो बन सकता था, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता या बॉन्ड बनता और रेडिकल कहां लग जाता टर्मिनल पे। तो आपको पता लगा कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये भी सोचना है कि हो सकता है कोई और प्रोडक्ट भी तो बन रहा हो, सिंपल सी बात है। तो NBS में सिंपल क्या करना है, एलाइलिक रेडिकल लगा लेना है, एलाइलिक रेडिकल लगाने के बाद आपको रेजोनेंस जरूर सोचना है बच्चों, क्योंकि रेजोनेंस नहीं सोचोगे तो हो सकता है आप एक प्रोडक्ट मिस कर दो। अब आपको क्या देखना है, यहां पर मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आए अब यहाँ पर आपको ब्रोमीन अटैच कर देना है और जैसे ही आपने ब्रोमीन अटैच किया आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए। तो क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं क्या आपको समझ में आया, तो
तो मैं कह सकता हूँ पी के कितने प्रोडक्ट होंगे, दो होंगे, क्लियर है। स्ट्रक्चर्ड आइसोमर कितने होंगे, दो होंगे। अब इसमें स्टीरियो पूछता तो आप सोच सकते थे कि ये जीआई शो कर रहा है तो सिस ट्रांस भी कर सकता है, ये काइरल सेंटर है तो ये वेज लेंस भी हो सकता है। तो आप स्टीरियो सोच सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अपन प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। फाइनल बात ये समझ आई, एनबीएस अगर करना है तो एलाइलिक पे क्या करना है, रेडिकल लगाना है। एक बार एलाइलिक पे रेडिकल लगा लो, उसके बाद क्या करना है आपको, उस एलाइलिक रेडिकल को हो सकता है वहां रेजोनेंस भी पॉसिबल हो तो आपको रेजोनेंस करके देखना है बच्चों। अगर रेजोनेंस करके नहीं देखोगे तो एक तो तुम ऐसे ही भूल जाओगे, गलत कर दोगे वहां पर। समझ में आया? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। तो आपने मैकेनिज्म समझा, मैकेनिज्म के थ्रू बहुत इजी हो गया, आपने पढ़ रखा है मोनोक्लोरिनेशन कुछ वैसा ही है, एकदम बहुत टफ नहीं है बच्चों। बस ध्यान आपको ये रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म करना। रेडिकल फॉर्म करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ये सोचना होता है कि क्या रेजोनेंस करने के बाद कोई अलग प्रोडक्ट तो नहीं आ जाएगा, और अगर अलग प्रोडक्ट आता है तो आपको उसे नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या कराया, NBS, NBS का मतलब क्या हुआ, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। क्या करता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एलाइलिक कार्बन पे क्या लगाता है, रेडिकल लगाता है। एलाइलिक कार्बन कौन कौन सा है बच्चों, ध्यान दो, एलाइलिक कार्बन ये भी है, एलाइलिक कार्बन ये भी है और एलाइलिक कार्बन ये भी है। क्यों, एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, ध्यान रखना, और एल्कीन वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एलाइलिक और विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब एल्कीन वाले कार्बन क्या कहलाएंगे, विनाइलिक, और एल्कीन से जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाएंगे, एलाइलिक। क्या समझ में आ रहा है, मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं एक बार। इस कार्बन की बात करूं तो ये है विनाइलिक और ये है बच्चों एलाइलिक। क्लियर हो गया? NBS करना है, क्या करना है, मैंने एलाइलिक कार्बन पे रेडिकल लगाओ, और रेडिकल लगाने के बाद जरूर सोचो कि हो सकता है कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। अब रेजोनेंस हो रहा होगा तो रेजोनेंस कर देंगे, और रेजोनेंस करने के बाद अलग प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उसे भी कंसीडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं रेडिकल लगाने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट। क्या ये दोनों कार्बन सेम है, इसका मतलब मैं कहीं एक जगह ही प्रोडक्ट लगा सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये बना सकता हूँ। फिर मैंने देखा यहां एलाइलिक कार्बन है, तो फिर मैंने क्या किया, एलाइलिक कार्बन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रेडिकल लगा दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूं, क्या यही ब्रोमीन लगा दूं, नहीं, अभी मुझे ये सोचना है कि ये रेडिकल कहीं और भी घूम सकता है क्या, बाद में ब्रोमीन अटैच कर देंगे, करना क्या है, ब्रोमीन तो अटैच करना है। क्या यहां पर रेजोनेंस होने के बाद, ध्यान देना बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये रेडिकल यहां शिफ्ट होगा, और मुझे देख के बताओ बच्चों क्या यहां पर ये रेडिकल डिफरेंट रेडिकल है या नहीं, बिल्कुल डिफरेंट रेडिकल है। वैसे ही यहां पे सोचो, अगर ये रेजोनेंस करता तो पाई बॉन्ड यहां आता और यहां पर रेडिकल बन जाता, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि यहां पर क्या आ जाता, रेडिकल आ जाता। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि यार मुझे दिख तो दो कार्बन रहे थे लेकिन ये चार कार्बन पे अलग अलग रेडिकल आ गए, क्यों, दो तो डायरेक्ट आए और दो मैंने क्या किए, रेजोनेंस कर दिया, और रेजोनेंस के बाद जो आया वो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या करना होता है बच्चों, अब कुछ नहीं, इस ब्रोमीन को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ब्रोमीन आपको ऐड कर देना है। सिंपल स्टेप समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो समझ में आया आपको, सबसे पहले क्या करना होता है, एलाइलिक रेडिकल बनाना होता है। एलाइलिक रेडिकल बनाने के बाद आपको ये देखना होता है कि क्या वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो वहां पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे करना है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, और मेरे क्वेश्चन में यहां किया गया है NBS, NBS करना है, और मुझे ये बताइए कि यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे कितने बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि कहां कहां रेडिकल आएगा और कैसे आएगा। ध्यान दो, सबसे पहले एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या हुआ, ये कार्बन और ये कार्बन, क्या ये दोनों कार्बन ही एलाइलिक कार्बन और दोनों कार्बन आइडेंटिकल कार्बन है, समझ में आ रहा है।
आइडेंटिकल कार्बन है तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं रेडिकल लगाते समय ध्यान दूंगा? ये रेडिकल लगा दिया, एक ही रेडिकल है, क्या यही बन सकता है या इसके अलावा भी कुछ बन सकता है? आप देख रहे हो यहां पर मैं रेजोनेंस कर सकता हूं, और रेजोनेंस करने के बाद बच्चों ये रेडिकल यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहां पर ऐसा भी बना सकता था। अब लास्ट काम क्या करना है, ब्रोमो है तो यहां ब्रोमो को ऐड कर देना। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बताइए कितना इजी है? बहुत इजी है। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक टफ नहीं है बिल्कुल भी, समझो सीखो और एग्जीक्यूट करो, बस ये होता है ऑर्गेनिक में मेनली, ठीक है ना। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे अपन एनबीएस में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहां पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज होती और मेरे से कहा जाता एनबीएस रिएक्शन को प्रोसीड कराइए और प्रोडक्ट बताइए कितने बनेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला मेरे पास ये पॉइंट होगा कि यार जब मेरे को रेडिकल लगाना है तो पहले मैं रेडिकल लगा लूं, रेडिकल लगाने के बाद मैं रेजोनेंस कर लूंगा और जितने डिफरेंट बनेंगे वो बना दूंगा। यहां डिफरेंट रेडिकल पहले ही मुझे दो दिख रहे हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेडिकल फॉर्म करूंगा और कुछ रेडिकल मैं इस तरीके से फॉर्म कर दूंगा। क्या मुझे समझ में आ रहा है मैंने ये रेडिकल कैसे लगाए? क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन पे रेडिकल क्या कहलाता है, एलाइलिक रेडिकल। जब मैंने इसका रेजोनेंस किया तो रेजोनेंस करने के बाद रेडिकल यहां शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। आप सबको रेजोनेंस करना आता है, क्लियर हो गया? यहां पर बताएं जब ये रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और रेडिकल यहां लग जाएगा। मुझे बताएं क्या ये चारों अलग अलग है? सबसे पहली बात यह है प्राइमरी पे रेडिकल है, सेकेंडरी है तो एल्कीन टर्मिनल है, एल्कीन बीच में है तो यहां है, एल्कीन यहां है तो यहां है। मुझे बताओ इन दोनों प्रोडक्ट में क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों सेम है? समझ में आया? इस तरीके से गलतियां हो जाती है बच्चों। तो यहां मैं सिंपल सा क्या बनाऊंगा, सिर्फ ये। तो इनकी जगह पे मुझे पता है कि यहां पर टोटल प्रोडक्ट कितने आए, 1, 2 and 3। अब बात करो 1, 2, 3 में जब मैं ब्रोमो लगा दूंगा तो देखो यहां पर ब्रोमो लगाने के बाद मेरा क्वेश्चन था स्ट्रक्चरल नहीं स्टीरियो। अगर स्ट्रक्चरल होता तो 1, 2, 3 आंसर आ जाता, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं बच्चों यहां पर, 3। अगर मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करूं तो कितने होंगे, ध्यान देना। यहां पर बताएं ये जीआई शो कर रहा है और ये काइरल सेंटर है, हाँ है ना। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, क्या आपको पता है कैसे निकालते हैं ये? तो 4 तो यहां से आ गए, यहां ये जीआई शो कर रहा है और ये काइरल सेंटर नहीं है तो यहां तो कितने होंगे, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। यहां पर ये जीआई नहीं शो कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ये रेडिकल काइरल सेंटर है तो यहां पर भी 2 की पावर 1 इज इक्वल टू। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट 4, 2, 6 और 2, 8। तो यहां आंसर लिख देता मैं 8। समझ में आया कैसे किया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। मुझे ये बताएं बच्चों कि जब मैं यहां पर प्रोडक्ट बनाऊंगा, एनबीएस करूंगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें मुझे बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मुझे बताना है। तो मुझे बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है एलाइलिक कार्बन पे रेडिकल लगाना। एलाइलिक कार्बन कौन सा आएगा, ध्यान दो, तो एलाइलिक कार्बन है बच्चों ये कार्बन, एलाइलिक कार्बन है, मैंने रेडिकल लगा दिया। और कोई एलाइलिक कार्बन तो दिख नहीं रहा, क्या ये कार्बन जो रेडिकल लगाए हुए हैं क्या ये रेजोनेंस भी कर सकता है? बिल्कुल रेजोनेंस कर सकता है,
और रेजोनेंस करने के बाद पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो रेडिकल यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मैं समझ सकता हूं यहां पर ये बन जाएगा। अब क्या करना होता है, अब यहां ब्रोमीन लगाना होता है, तो मैंने यहां ब्रोमीन लगा दिया और यहां पर बच्चों क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। अब मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये है। अब पूछा गया है इंक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो में काइरल सेंटर होता है या जीआई होता है, यहां पर ना तो काइरल सेंटर है क्योंकि दोनों बराबर है और ना ये जीआई शो कर रहा है क्योंकि यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो कितना लिखूंगा, सिंगल प्रोडक्ट। यहां की बात करो तो ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि इक्वल है और ये काइरल सेंटर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो मैं यहां लिख सकता हूं यहां सिर्फ और सिर्फ दो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलो या स्टीरियो बोलो, क्योंकि स्टीरियो कोई भी शो नहीं करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने आए यहां पर, दो। तो समझ में आया एनबीएस करते कैसे है बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या। चलिए और क्वेश्चन करते हैं एनबीएस से रिलेटेड और मिक्स करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, मिक्स करते हैं देखिए कैसे। मान लीजिए बच्चों मुझे कहा जाता, मुझे बोला जाता कि यहां पर क्या किया है मैंने, इस मैथिल ग्रुप को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। ध्यान देना क्वेश्चन अच्छा है, दिस इज फॉर जेई, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान देना। एक मेरे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कराया क्या जा रहा है, Cl2H2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अभी आपने किया था, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पर बताना है आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताना है, ठीक। सबसे पहला टास्क क्या करोगे, सबसे पहले सोचोगे क्या, सबसे पहले यह सोचोगे कि यार अगर मेरे पास कोई डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है तो मैं उन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे क्या लगाऊंगा, रेडिकल लगाऊंगा। रेडिकल लगाने के बाद वहां पर क्या अटैच करूंगा, क्लोरीन को अटैच करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनिएगा यहां पर, अगर मैं रेडिकल यहां लगाता हूं कोई दिक्कत नहीं है, रेडिकल यहां लगाता हूं कोई दिक्कत नहीं है, यहां अगर रेडिकल लगाऊंगा तो रेडिकल लगाते ही क्या ये जो फिक्स क्वांटिटी है जो मैंने फिक्स कर रखी है, क्या ये अब फिक्स रहेगी, बहुत ध्यान से सोचिएगा बच्चों, क्योंकि फिक्स क्वांटिटी हमेशा sp3 में होती है, टेट्राहेड्रल में होती है, कभी भी फिक्स क्वांटिटी sp2 में नहीं होती है। और आपको पता है कि अगर इस फिक्स क्वांटिटी के ऊपर रेडिकल लग जाए तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, sp2। इसका मतलब अब ये जो फिक्स है वो फिक्स नहीं रही। तो अब ध्यान देना मैं करने जा रहा हूं, सबसे पहली चीज मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, क्या ये और ये सेम है, समझ में आया। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट बना लेने, इसका मतलब आपको क्या करना है, एक दो तीन, एक दो तीन दूसरे पे फिक्स कर दिया, एक रेडिकल मैंने ये लगा दिया, दूसरा रेडिकल मैंने ये लगा दिया, तीसरा रेडिकल मैंने ये लगा दिया, तो एक छूट गया क्या, चलिए ये रेडिकल, और चौथा रेडिकल मैंने यहां पर, चौथा रेडिकल मैंने यहां पर ये लगा दिया। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने रेडिकल लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया। क्वेश्चन को समझो ना, तभी समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकते, सिंपल बात है। और यहां पर बेटा मैंने कुछ गलत कर दिया, यहां पर शायद ये सेकंड नंबर पे था, सॉरी सॉरी गर्ल्स एंड बॉयज, हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक्स। कहां पे था बच्चों, ये सेकेंडरी पे था ना, तो बताओ कहां कहां लगेगा, देखना आप ध्यान से देखना आप। पहले मैं ये बना लेता हूं जिससे कि थोड़ा सा लगाने में इजी रहे, देखिए कैसे, यहां पर ये कार्बन था जो फिक्स था, कार्बन था फिक्स था, कार्बन था फिक्स था और कार्बन था फिक्स था, क्लियर। जब मैं रेडिकल यहां लगा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, रेडिकल यहां लगा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं रेडिकल यहां लगाऊंगा ये स्पीसीज हो गई sp2। अब ये जो फिक्स है ये क्या हो गया, नॉन
क्लियर समझ में आया? चलिए आगे लगाएं, यहां लगा सकता हूं, और एक और बनेगा कौन सा बच्चों? ये वाला। अच्छा सोचिए, यहां पर भी तो कार्बन था, तो क्या मैं ये भी तो बना सकता था कि यहां पर मैं इस चीज को यहां भी तो रेडिकल लगा सकता था? क्या क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे बताओ, क्या मैंने एक बार सारे रेडिकल लगा लिए? सारे रेडिकल लगाने के बाद क्लोरीन लगा दिया, ठीक है भाई, क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ये सारे प्रोडक्ट बन गए। आपसे स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछता तो आप ये सारे बोल देते। अगर मान लीजिए आपसे स्टीरियो पूछा है, जैसे यहां, यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान दो तो काइरल सेंटर ये भी बन रहा है और काइरल सेंटर ये भी बन रहा है, सही बात है या नहीं? लेकिन ये काइरल सेंटर फिक्स है बच्चों, ये क्या है? फिक्स है। जब ये फिक्स है तो ये डैश में चेंज नहीं हो सकता, ये वेज में है तो ये वेज में ही रहेगा, ये डैश में चेंज नहीं होगा, क्लियर है? लेकिन अगर मान लो ये फिक्स नहीं होता तो ये भी वेज डैश में होता, साथ ही साथ ये भी वेज डैश में ही होता। तो बताओ, यहां मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा या 2 की पावर 1 लिखूंगा? तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो वेज डैश हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए एक बार वेज और एक बार डैश, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, 2। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि जब क्वेश्चन में फिक्स दिया हो तब आपको कैसे सोचना है, क्योंकि जेई में पूछ चुका है बच्चों, जेई एडवांस में पूछा है, ठीक है, पूछ चुका है। तो आप ध्यान दो, यहां बात करते हैं, कोई कायरल सेंटर नहीं और यहां पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये फिक्स है। तो बताओ इसको मैं कितना प्रोडक्ट बोलूंगा? सिंगल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जब ये सीएल था तो मेरे पास बना क्या था बच्चों? अगर ध्यान दो तो बना था मेरे पास ये फिक्स वाले का रेडिकल, इसका मतलब ये फिक्स तो रहा नहीं, तो अब सीएल ऊपर से भी आ सकता है और सीएल नीचे से भी आ सकता है, देख सकते हो ये कायरल सेंटर है। तो जब ये फिक्स के जस्ट ऊपर आएगा तो वो फिक्स फिक्स नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा। इसका मतलब अब मैं यहां लिखूंगा, यहां पर कितने प्रोडक्ट आएंगे? 2। क्लियर समझ में आ रहा है? यहां की बात करें, अब आपको समझ में आ गया ये तो फिक्स है क्योंकि यहां तो रेडिकल लगा नहीं था, रेडिकल यहां लगा था। तो बताओ काइरल सेंटर 2 है लेकिन मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा या 2 की पावर 1 लिखूंगा? तो आप सबको क्लियर हुआ कि सर यहां पर ये चीजें फिक्स है तो ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो फिक्स नहीं है ये सीएल वेज में भी हो सकता है और डैश में भी हो सकता है क्योंकि ये काइरल सेंटर है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्लियर समझ में आया? 2 बनेंगे। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? आप बताओ, क्या रिलेशन इनेंशियोमर का होगा या रिलेशन डायस्टीरियोमर का होगा? तो आपको क्लियर समझ में आएगा बच्चों कि सर यहां जो दोनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो एक्चुअल में क्या बनने वाले हैं? सीएल वेज में और ये तो फिक्स है ही, सीएल डैश में और ये तो फिक्स है ही। तो बताओ, जब मैंने एक काइरल सेंटर को फिक्स कर रखा है और एक के अबाउट वेज डैश कर रहा हूं, तो क्या ये नॉन मिरर इमेज होंगे? और नॉन मिरर इमेज का रिलेशन होता है बच्चों डायस्टीरियोमर। तो क्लियर समझ में आया कब आप डायस्टीरियोमर बोलोगे? क्योंकि ये भी चीजें पूछ सकता है वो, यहां पर काइरल सेंटर नहीं है, यहां भी नहीं है, तो क्लियर है मन, यहां ये है नहीं, ये है नहीं और ये भी नहीं है। ये मानते तब मानते जब ये फिक्स नहीं होता। तो ये बताओ यहां पर भी सिंगल, तो अगर कोई मुझसे टोटल प्रोडक्ट पूछता इंक्लूडिंग स्टीरियो, 2 1 3 3 2 5 2 7 7 1 8 और 1 9, इस चीज को मैंने ड्राइव करके बनाया है, तो कंफ्यूज मत होना कि कैसे मैंने इसके 2 प्रोडक्ट बनाए। क्लियर है? तो आपको समझ में आया यहाँ कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? यहाँ बन रहे हैं टोटल 8 प्रोडक्ट, 2 2 4 2 6 7 8 9 सॉरी 9 प्रोडक्ट बने। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है बच्चों क्योंकि अगर अपन एडवांस पेपर देते हैं तो एडवांस में कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को समझना मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान दोगे तो ये चीजें इम्पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो चलिए कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन की और बनाते हैं प्रोडक्ट।
मान लीजिए बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके का होता और मैं इसे फिक्स रखता, मान लीजिए कुछ ऐसा रखता, या मैं कुछ और चेंज करके थोड़ा सा इजी बनाता हूं। जैसे कोई चीज अगर वेज डैश में रखूं तो फिक्स मानी जाती है, समझ में आया? वैसे ही अगर कोई फॉर्म फिशर फॉर्म दिया हो, फिशर फॉर्म का मतलब आप पढ़े होंगे, कुछ ऐसा फॉर्म क्या कहलाता है? फिशर फॉर्म। इस काइरल सेंटर के अबाउ इनकी पोजीशन फिक्स होती है, क्यों बच्चों? क्योंकि फिशर फॉर्म हमको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वेज में होती है और ये किस में होती है? डैश में होती है। इसका मतलब मैं इस फॉर्म को क्या मानूंगा? फिक्स फॉर्म मानूंगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन सुनना क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ ब्रोमो पहले से लगा रखा है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था जेई 2015 में, जेई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, और यहां एक पॉइंट और लिखा था 50%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपको पता है कोई कंपाउंड दो में बनेगा, मतलब एक 50% तो दूसरा अनदर 50%। यहां 50% इसलिए दिया है क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि यहां पर चीजें क्या है बच्चों? फिक्स्ड। ये हमें ये इंडिकेशन दे रहा है, या ये बोल सकता है 50% रेसमिक मिक्सचर, या ये बोल सकता है फिक्स्ड काइरल सेंटर। तो अब हम समझते हैं कि जब मेरे पास फिक्स्ड काइरल सेंटर होगा तो मुझे क्या ध्यान देना है? मुझे ये ध्यान देना है कि फिक्स्ड काइरल सेंटर आपको काइरल तो दिख रहा है लेकिन वो वेज में है तो वेज में ही रहेगा, डैश में है तो डैश में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो वेज में भी हो जाए और डैश में भी हो जाए। मतलब क्या हुआ? काइरल सेंटर है तो सही लेकिन उसको मानना नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला मतलब बताएं, इस कार्बन के लिए ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब कहीं एक जगह में जोड़ सकता हूं, दूसरा मैं यहां जोड़ सकता हूं, तीसरा मैं यहां जोड़ सकता हूं और चौथा मैं यहां जोड़ सकता हूं। क्या आपको ये समझ में आया कि जब मैं इस रिएक्शन के साथ क्लोरीनेशन करूंगा तो मुझे कहां कहां जोड़ना है? क्या इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? तो मुझे बताएं, सबसे पहले मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? सही, एकदम सीएल और ये ब्रोमीन। मुझे बताओ एक प्रोडक्ट ये बन गया इस काइरल सेंटर पे जोड़ने पे, इस रेडिकल पे जोड़ेंगे तो अब बताओ जब मैं इस रेडिकल पे जोड़ रहा हूं तो क्या मैं इस पे जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता हूं। क्यों नहीं जोड़ सकता हूं? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो मैं कहां से जोड़ूंगा? सही बात है। तो बताओ यहां पर कोई चीज नहीं जुड़ सकती। उसी तरीके से थर्ड में अगर बात करें तो मेरे पास यहां पर सीएल जुड़ सकता है, और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो यहां पर भी सीएल जुड़ सकता है। क्या क्लियर समझ में आया? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। मान लीजिए आपने किसी ने पूछा कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या ये काइरल सेंटर दिख रहा है? लेकिन ये तो फिक्स है, फिक्स है तो इसको मानोगे क्या? नहीं मानोगे। ये है नहीं सिंगल, यहां ये काइरल सेंटर है ही नहीं, यहां ये है काइरल सेंटर, इसके अबाउट कोई चेंज होना नहीं है, तो सिंपल है क्या लिख दोगे? दो। यहां पर ये काइरल सेंटर है नहीं, मानना नहीं है, क्यों? क्योंकि फिक्स है। यहां पर भी नहीं है तो टोटल कितने आ जाएंगे? चार। समझ में आया आपको? क्लियर हो गया क्या? ये चीज समझ में आ गई आपको बढ़िया से? चलिए एक और टाइप करते हैं, ठीक है? तो इसको बहुत ज्यादा ठीक है, एडवांस में पूछा गया था तो एक पैटर्न हमें पता होना चाहिए। मेन चीज कि फिक्स जब कोई चीज होती है तो वहां पर कभी भी उसे एज अ वेज और डैश नहीं लेते, तभी ले सकते हैं जब तक उस कार्बन पर रिएक्शन ना हुई हो। अगर उस कार्बन पर रिएक्शन होगी तभी हम कह सकते हैं कि वो अब फिक्स नहीं रहा, वो अब किसमें चेंज हो गया है? sp2 में चेंज हो गया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। यहां पे मान लीजिए कोई पूछे मुझे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बहुत पूछा जाता है, पूछा गया था एक बार जेई के थ्रू, ये भी क्या पूछा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक सॉल्वेंट में या किसी एक बर्बीरे बीकर में मैं दो चीजें डालू और मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों चीजों को क्या तुम अलग कर सकते हो, तो तुम्हारा जवाब ये होगा कि सर अगर दोनों चीजें अलग प्रॉपर्टीज की होंगी तो मैं उनको अलग कर सकता हूं।
अगर मेरे पास सेम प्रॉपर्टी की दो चीजें हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने वही प्रॉपर्टी निकाली है? जब दोनों सेम प्रॉपर्टी है तो दोनों में क्या बनेगा? वही बनेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास इनेंशियोमेरिक पेयर बनते हैं, इनेंशियोमर्स बनते हैं, तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चों? ध्यान दो, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होता है? मिरर इमेज होते हैं। और मिरर इमेज होते हैं तो बताओ इनका रिपल्शन भी क्या होता है? सेम होता है। रिपल्शन क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब वो उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबके सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मुझे बताओ कभी भी किसी बीकर में मैं दो इनेंशियोमेरिक पेयर को डाल दूं तो क्या मैं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकता हूं अलग या नहीं कर सकता? मुझे बताओ, जब ए और बी, ए एंड बी आर इनेंशियोमर, वी कैनॉट फ्रैक्शनल डिस्टिलेट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेट। क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास कोई इनेंशियोमेरिक पेयर है तो उन्हें कभी भी मैं अलग नहीं कर सकता, उन्हें मैं एक कंपाउंड ही मानूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है सिर्फ वही चीज पड़ी है ना यार वहां पे। मैं तुमसे बोलू चीनी है, दो चीनी के दाने डाल दिए, अलग करो यार, चीनी तो घुल गई। अब चीनी अलग होगी तो वो चीनी ही निकलेगी, मैं कैसे बताऊंगा चीनी का ये दाना अलग है या ये दाना अलग है? ये समझ में आ रहा है? मान लो कोई और चीज मिलाई जिससे मैं अलग कर सकता हूं तो मैं बता सकता हूं कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। तो इसे ही बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहला पॉइंट है कि कभी भी इनेंशियोमेरिक पेयर एक दूसरे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेट नहीं कर सकते। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्या मैं बता रहा हूं? अगर मेरे पास कोई डाइस्टीरियोमेरिक पेयर हो, सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे पास कोई डाइस्टीरियोमेरिक पेयर हो तो डाइस्टीरियोमेरिक पेयर क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज। और नॉन मिरर इमेज की अगर मैं बात करूं तो नॉन मिरर इमेज क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे की प्रॉपर्टी अलग होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। और डिफरेंट होगा तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि वो डिफरेंट कंपाउंड एक दूसरे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेट हो सकते हैं? क्या क्लियर बात समझ में आ रही? तो चलिए यहां पर क्वेश्चन करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि अगर कोई इनेंशियोमर है तो उसे हम अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते तो मैं उसको कितना काउंट करूंगा? एक काउंट करूंगा। अगर कोई चीज डाइस्टीरियोमर है तो मैं उसे एक ना काउंट करके कितना काउंट करूंगा? दो काउंट करूंगा बच्चों। और दो मैं किस तरीके से काउंट करूंगा, जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2014 में, एडवांस का क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन था बच्चों आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों। आइसो ग्रुप होता है ये, पेंटेन का मतलब पांच कार्बन, इसका मतलब ये होता है आइसोपेंटेन, बहुत फेमस है। इसको आप ध्यान रखो कि आइसोपेंटेन क्या होता है। क्लियर है? तो बताओ आइसोपेंटेन के साथ अगर मैं Cl2H3 रिएक्शन करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट आता है मान लो एम, मान लो एम आता है। तो पहले आपको बताना था एम कितने बनेंगे, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है एम। तो अब आपको बताना था एम कॉमा एम, ये आपका आंसर था। तो अब बताओ कैसे करोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम बहुत इजी है, आपको क्या करना है, इसके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है जो कि एम है। कौन कौन सा डिफरेंट कार्बन है? ये, ये, ये और ये। क्या करूंगा मैं? डिफरेंट कार्बन पे मैं रेडिकल लगा दूंगा। क्या यही डिफरेंट कार्बन है? अब मैं क्या करूंगा? क्लोरीन अटैच कर दूंगा। क्लोरीन अटैच कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये सोचूंगा कि क्या कोई स्टीरियो आइसोमर्स तो नहीं शो कर रहा है। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? क्या कोई कायरल सेंटर तो नहीं बना रहा है? इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये कायरल सेंटर है, यहां ये कायरल सेंटर नहीं है बच्चों। तो बताओ यहां पर कितने आए कायरल सेंटर? एक।
एक से कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 2 की पावर 1 मतलब 2। नीचे वाले को देखो, क्या वैलेंसी सेम है? वैलेंसी सेम है तो कायरल सेंटर नहीं होगा, इसका मतलब इसको मैं सिंगल प्रोडक्ट बोलूंगा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ ये तो कायरल सेंटर नहीं है बट ये कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या है बच्चों? डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ, बताओ ये कायरल सेंटर है नहीं, यहाँ पर मुझे पता है 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है, क्या इसको मैं 1 बोलूंगा? तो मुझे बताओ एम की वैल्यू कितनी आई? एम की वैल्यू आ गई बच्चों 2। यहां पर कायरल सेंटर था तो 2, 2, 4 और 2, 6, एम की वैल्यू आ गई 6। मस्त क्वेश्चन ये था कि जब इसने पूछा आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एम, इस एम की वैल्यू निकालने में हालत खराब हो गई क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप जरूर ये क्वेश्चन कर सकते हो या इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्या क्वेश्चन का डेरिवेटिव था? अगर कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है तो बताओ एन कितने बनेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर कोई इनेंशियोमेरिक पेयर होगा तो वो 2 तो है लेकिन उसको काउंट कितना करूंगा? 1 करूंगा। क्यों 1 काउंट करूंगा? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। उसको सॉल्वेंट में डालोगे तो अलग नहीं कर सकते हो भाई, 2 मिरर इमेज चीजें हैं, एक में भी उतना ही रिपल्शन है, दूसरे में भी उतना ही रिपल्शन है। मैं कैसे कह सकता हूं कि दोनों अलग अलग है? या मैं इनको अलग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसका मतलब बताओ जितने ये इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे क्या इनको 2 काउंट करोगे या 1 काउंट करोगे? इनको बच्चों 1 काउंट करोगे। इसका मतलब मेरा जो आंसर आता आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो कितना आता? 4 आता, और यहाँ आंसर था 6.4। तो इस तरीके से उसने पूछा था आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ आपको पता है कायरल सेंटर है तो वेज और डैश ही हो सकता है, और यहाँ कोई चीज फिक्स है नहीं, इसका मतलब वेज और डैश जितना प्लेन के ऊपर है दूसरा कंपाउंड उतना ही प्लेन के नीचे है, इसका मतलब दोनों क्या हुए? मिरर इमेज। और दोनों मिरर इमेज तो रिलेशन क्या हुआ? इनेंशियोमर। इसीलिए मैंने इसके 2 को कितना काउंट किया? 1 काउंट किया। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? और जो 1 है उसको तो 1 काउंट करोगे ही करोगे ना यार, उसको थोड़ी ना तुम अलग कर दोगे। सिंपल। तो आंसर यहाँ पर था 6.4, जेई 2014 एडवांस। तो क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट पता है तो सब कुछ कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए